एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ एंड सुरक्षित होंगे। बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए फिर आज मैं ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ अपने संडे मॉर्निंग से। तो मैंने यहाँ अपना पानी जो है लगा दिया है बॉयल होने के लिए, और साथ में ये रात को काला चना भिगोया था। तो आज चलें जो है नाश्ते में चने बनाने वाली थी कि चने बना लूँगी, और हमें थोड़ा सा जो है नॉर्विच भी जाना है, नॉर्विच सिटी, तो इस वजह से कुछ खाए पिए रहेंगे तो सही रहेगा, तो बच्चे भी खा लेंगे यहाँ पे। तो मैंने चने उबलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल के उसमें छोड़ दिया है, थोड़े देर के बाद ये उबल जाएगा। रात को भिगो दिया था, और अपना चिया शीट भी यहाँ पर भिगो दी हूँ। जब तक जो है चिया शीट हमारा रेडी हो जाएगा पीने के लिए, तब तक मैं रामकृष्ण को ब्रेड बना कर दे दूँगी। ब्रेड और जैम आज उसको देने वाली हूँ दोनों को। दो बड़े बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं, तो ये 50-50 का ब्रेड है जो सिर्फ बच्चों के लिए, मैं यही वाला लाती हूँ, बच्चों को ये वाला देती हूँ। मेरा ब्रेड दूसरा होता है, मैं ये वाला नहीं लेती, मैं थोड़ा ज़्यादा फाइबर वाले वाला जो होता है वो लेती हूँ, तो वो भी कभी कभी ब्रेड लेती हूँ। ब्रेड में ना कोई मैं बहुत शौक़ से नहीं खाती, कभी कभार ले लेती हूँ, तो कभी क्रेविंग हुआ तो ये जो साइड किनारा होता है ना ब्रेड का, वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि छोटे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है खाने में बच्चों को, तो इसलिए। और इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका मैं ब्रेड जो ब्रेड क्रम होता है ना वो बना के एक जार में भर के इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तब इसे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कभी कटलेट वगैरह बनाने के लिए, या कभी पकोड़े वगैरह में जो है ऊपर से कोटिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, तो उसी में इसको यूज़ करती हूँ, जस्ट कोटिंग के लिए ही यूज़ होता है बाकी। या कभी कभार जो है दूध गाढ़ा करने में भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे दूध गाढ़ा किया, मान लो जैसे अभी खीर बनाया, कुछ रबड़ी टाइप का बनाया, तो बहुत जल्दी जो है दूध को गाढ़ा करने के लिए उसी में ये मिला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जो है बटर लगा दिया है, जैम लगा दिया है, और ऐसे एक एक ब्रेड को दो दो पीस में कर दिया है। तो ये चार पीस का ब्रेड बनाया है मैंने, और मेरे दोनों बच्चे जो है रामकृष्ण बड़े अच्छे से और मन से खाते हैं। कभी कभी इसमें जो है जो न्यूट्रेला का आता है ना, वो भी जो है पूरा स्प्लिट करके दे देती हूँ, वो भी इनको अच्छा लगता है, और ये अच्छी खासी टमी फिलिंग हो जाती है। तो यहाँ राम की शैतानियों की शिकायत मैं राम से ही कर रही हूँ। इन लोगों को मैं सॉक्स पहना पहना के परेशान हो जाती हूँ। अभी सुबह में ऊपर जब ये आए हैं ऊपर से, तो मैंने इनको सॉक्स पहनाया था, और इसने निकाल के फेंक दिया। खुद का भी निकालता है, और उसके बाद कृष्ण का भी निकाल देता है, या कृष्ण अपना निकालेगा पहले तो राम का भी निकाल देगा। आज पता नहीं कैसे कृष्ण ने नहीं निकाला है, अदरवाइज़ वो नॉर्मली निकाल ही देते हैं। तो यही सोफे पे इनको दे दिया है। अब ये बूस्टर सीट पे बैठते नहीं हैं, तो बूस्टर सीट मैंने हटा दिया है, और ये डाइनिंग टेबल चेयर पे डायरेक्टली या तो बैठते हैं, और या फिर इस तरीके से सोफे पे दे दो, क्योंकि वो जो बेल्ट बंधा होता था ना, ये बेल्ट बंधे बंधे बूस्टर सीट में से ऊपर से निकल जाते थे,
तो फिर रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं भी अपना यहाँ चिया शीट लेकर थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, तसल्ली से अपना पानी फिनिश कर लूँगी। फिर ये था हमारा नाश्ता, बच्चों को भी यही दिया था। और ये है इडली, हमने एक दिन पहले इडली बनाई थी तो ये ड्राई इडली ऐसे रख दिया था, तो जीरे और घी में थोड़ा सा इसको फ्राई कर दिया है। बच्चों ने थोड़ा से ही खाया और मैंने भी मेरा चाय और ये साथ में इडली ले लिया। हस्बैंड ने ब्रेड टोस्ट लिया था क्योंकि वो इतना सुबह कुछ ऐसे खाते नहीं हैं, उनको आदत नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने चने रखे थे उबालने के लिए उबल गए हैं, तो इसका जो है चना मसाला बनाऊंगी। जैसे होता है चना मसाला ऐसे चाय वगैरह के साथ खाने के लिए, अपने इंडिया में घुगनी भी बोलते हैं, तो उसी टाइप का बनाऊंगी। तो यही था विचार कि यही खा पी के निकलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है बढ़ता जाता है, आखिर हमें निकलने में टाइम भी लग गया। तो यहाँ मैंने बारीक सा प्याज कट कर लिया है और ये हमारा इंडियन प्याज ही है, तो इसमें जो है हमें ये जैसे यहाँ वाला प्याज तो वाइट होता है, वाइट और रेड दोनों आता है, लेकिन वो उस रेड वाले में बहुत आई थिंक उसमें कुछ अलग से कलर मिलाते होंगे क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह का रेड होता है। ये पिंकिश होता है तो वही पहचान होता है कि ये इंडियन है, तो मैं यही वाला प्याज लाती हूँ। ये जब हम लेस्टर गए थे तभी लाए थे। तो बस यहाँ सरसों का तेल थोड़ा डाला है और थोड़ा सा यहाँ पे जीरा डालूँगी, थोड़ा हींग डालूँगी, साथ में हल्दी डालूँगी। तो और जीरा ले लिया है ये देखिए, और थोड़ी और बहुत ही संभाल के डब्बा मैं वहीं का वहीं ऐसे उठाई हूँ और वहीं निकाल के उसको धीरे से मैंने ऊपर कर दिया है क्योंकि फिर गिरे मेरा काम बढ़े, तो इस वजह से डरते डरते मैंने उठाया उस डब्बे को, उसको मैंने ज्यों का त्यों पहुँचा दिया और उसी में हल्दी डाल दिया है और साथ में हींग डाल दिया है। और बस इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। एक दो जो है ग्रीन चिली भी डाला है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, यहीं अल्डी से ही लिया था तो ये उतना स्पाइसी नहीं है, बच्चे खा लेंगे। और बस इसमें जो है ये टमाटर डाल दिया है काट के, और टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है ऊपर से क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जो है चने को बॉयल करते समय भी नमक डाला था। फिर धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, बस यही इतना क्योंकि मैं चना मसाला बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मसाला इसमें जाएगा। अगर जैसे हम लोग नवरात्रि में जब चना छौंकते हैं तो उसमें तो कुछ भी हल्दी भी मैं नहीं डालती हूँ ना, उसमें हल्दी वगैरह नहीं जाता है, तो इसलिए वो तो सादा चना होता है, प्रसाद का वो रहता है। लेकिन वैसा ही कुछ खाने का मन हो रहा था, क्रेविंग हो रही थी आज कई दिनों से, तो रात को मैं सोते सोते मुझे याद आया कि चना भिगोना, और उठ के आई मैंने चना भिगो दिया। फिर आके
बस ये देखिए मसाला अच्छे से हो गया है और ये चना मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पहले डाला है, थोड़ा सा बाद में, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चने चाट वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो है फ्राई चना मुझे, या भुना हुआ या पका हुआ चना नहीं अच्छा लगता, जस्ट बॉयल चना ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा चना मैंने बचा के रखा है चने चाट बनाने के लिए। चना चना कितनी बार आज चना हो गया कई बार मैंने चना चना बोला है तो यस। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी निकलते निकलते तो लेट हो जाएगा, तो अब इस टाइम पे हस्बैंड को भूख लगने लग जाती है, तो मैंने कहा चलो अच्छा पराठा बना लेते हैं। तो शिवांश को मेरे स्क्वायर पराठा अच्छा लगता, तो वो आके बोला कि मैं जो है ऐसे नॉर्मल इसको बेल के अभी तुरंत ऐसे घी तेल जो भी लगाना था लगा देती, लेकिन उसने बोला मम्मी स्क्वायर पराठा बनाओ। तो अब स्क्वायर पराठा फिर बनाया, तो उसने फिर उस अच्छे से खा लेता है अगर वो बना दो तो, ट्रायंगल वाला भी खा लेता है, लेकिन अगर उसको राउंड राउंड पराठा बना के दे दो तो नहीं खाता, कहता है ये तो रोटी है, तुमने घी या तेल लगा के जैसे घी लगाते हैं ना वैसे दे दिया है, ये पराठा थोड़ी ना, वो तो उसको रोटी कहता है। तो फिर आके उसने जब बोला कि स्क्वायर पराठा खाना है, तब फिर मैंने फिर उसके लिए और फिर सबके लिए ही बनाया पराठा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इडली खा चुकी थी तो मुझे नहीं खाना था कुछ ऐसा, मेरा वही इनफ होता है। तो बस यही हमारा था सिंपल सा लंच। और ये आलू चना एक दिन पहले बनाया था, यानी छोले बनाए थे सैटरडे की शाम को, तो पराठा बना दिया है उसी दिन का, हमने आटा भी नहीं बनाया था, रात का ही आटा रखा हुआ था, तो आटा बन उससे वही पराठा बना दिया जल्दी से। और गैस वगैरह यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस पे अभी, क्योंकि गरम चूल्हा जो है क्लीन नहीं करते हैं, गरम ही है अभी यहाँ पे जो है, चने भी गरम है तो इसको खाली नहीं किया मैंने, फ्रिज में रखने वाले नहीं हैं ये, बाकी बर्तन वगैरह मैंने साफ करके हाथों से ही रख दिया है। और बारिश भी हो ही रही थी, 12 बज 12:30 तो बज ही गए निकलते निकलते हमें, और बस अब हम नॉरिच पहुंच चुके हैं, और जब हम कहीं निकलें तो बारिश ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और अब हम नॉरिच पहुंच चुके हैं। नॉरिच हमारे यहाँ से जस्ट हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे ही है, नॉर्विच सिटी है, तो हम वहाँ ही पहले जाते थे शॉपिंग करने, लेकिन हमें जाना पड़ता था, लेकिन हमें थोड़ा ही सामान मिल पाता था, और सबसे बड़ी बात थी, तो इसीलिए हमने चूज़ किया कि हम लेस्टर जाया करेंगे। सबसे बड़ी बात यही थी कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह नहीं था ऑप्शन, तो बस हम इसीलिए चले जाते थे, और फिर कोविड आ गया तो बिल्कुल से नॉरिच वगैरह जाना छूट ही गया था। लेकिन ये नया शॉप खुला हुआ है तो फिर न्यू ओपन हुआ अभी, हर तरह का यहाँ पे देखिए फ्रोजन वाले सारे आइटम्स हैं, समोसा है यहाँ पे, हर तरह के मसाला स्पाइसेस इडली ये सब बड़े सब कुछ जो भी साउथ इंडियन है वो भी हैं, मिठाइयाँ हैं सब फ्रोजन, और ये सब पराठास हैं यहाँ पे फ्रोजन हैं, ये सब इस तरीके से फ्रीज़र कर में रखे जाते हैं। और ये शान वाला जो हम लाते हैं समोसा, ये पंजाबी समोसा है, इसका टेस्ट बिल्कुल जो है अपने इंडियन समोसे की तरह, पंजाबी समोसे की तरह आता है, हम यही वाले लाते हैं, अभी था इसलिए हमने नहीं लिया इस बार। और स्पाइस एक्सप्रेस नाम है इस शॉप का,
तो अब ऑलमोस्ट हमारा लेस्टर जाना बंद ही हो जाएगा, ज़्यादा हम नहीं जाया करेंगे, बस वही मंदिर जाना होगा तभी जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हर 2 महीने 3 महीने पे जाते थे। अब हम अब तो उतना स्टॉक नहीं लाएंगे, जैसे जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लेकर मंगा लिया करेंगे। बात सबसे बड़ी ये है कि इनका जो है ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन आप ऑर्डर दे दो और डिलीवरी ये पहुंचा देंगे, तो सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि होम डिलीवरी इनके पास अवेलेबल है, तो अब सुविधा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल वगैरह सब का दाम बढ़ता जा रहा है, जाने से क्या फ़ायदा जब ऑनलाइन आपको सुविधा मिल ही रही है। तो ये ऑप्शन जो हमने ढूंढा ये सही हमको मिल गया। और ये देखिए यहाँ पे जलेबियाँ हैं बनाने वाला, ये गिट्स के सारे आइटम्स हैं बट हम गिट्स के लेते नहीं हैं, और इडली वगैरह के सारे मिक्सचर हैं, दाल्स हैं इस साइड में, सब तरह के घी हैं, पतंजलि का स्टॉक भी मुझे यहाँ पर दिखा, और पोहे हैं, मुरमुरे हैं, सॉरी खांसी आ गई थी, इधर में सब तरह के दाल हैं। अभी न्यू दुकान है ना, तो थोड़ा इन्होंने कम उतना स्टॉक अभी नहीं रखा है, धीरे धीरे कोई भी है बिजनेस स्टार्ट करते समय तो टाइम लगता ही है ना डेवलप होने में, वही है। इधर में सब तरह की वेजिटेबल्स हैं, मिठाइयाँ हैं, हल्दीराम की बिस्किट्स हैं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मतलब जितने भी आपको इंडियन सामान है सब मिल जाते हैं। और ये क्लियर डब्बों में भी मिठाइयाँ हैं, मैगी हैं। तो या ये लोग केरला के रहने वाले हैं, हमने इनसे बातचीत किया तो पता चला अपने इंडियन हर जगह मिल ही जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो ये हमें सबसे अच्छा ऑप्शन मिल गया। अब तो अब लेस्टर हमारा जाने का खर्चा बचेगा, और उसके बाद फिर हम मॉल इनका जो है ना, और सॉरी बता देती हूँ, जो लोग मुझे नॉरिस से फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं, जा सकते हैं इनके शॉप पे, ऑनलाइन इनका जो है डिलीवरी ऑप्शन भी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इनके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर चाहें तो चेक कर लेना। तो ऑनलाइन इनका डिलीवरी ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग नॉरिच रह रहे हों तो भी मंगा सकते हैं, जो लोग नहीं हैं तो भी मंगा सकते हैं। अगर इस तरीके से इंटीरियर में रह रहे हों, ज़्यादा कम्युनिटी में नहीं रह रहे हों, मेरा यही प्रॉब्लम है कि हम इंडियन कम्युनिटी में नहीं रहते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग जो है चैंटी मॉल पहुँचे, और एक्चुअली हम जा रहे थे शिवांगी भाभी के यहाँ, भैया भी इंडिया से आए हैं होके, और हमारे अयोध्या भी गए थे, हमारे घर के साइड गए थे वो, तो बस यही मन था कि उनसे मिल लें, और आए थे नॉरिश तो बिना उनके पास गए कैसे वापस लौट जाते, तो बस लेकिन तब पता चला, फ़ोन किया तो पता चला कि वो लोग यहीं मॉल में हैं, तो हमने कहा चलो यहीं मिल लेते हैं, मिलना ही पर्पस था, तो हमने कहा इधर ही आए हैं तो मिल लेते हैं। लेकिन फिर भैया बोले कि अब यहाँ तक आए हो तो नहीं घर चलो, घर जाके तब फिर जाना, तो संडे था जल्दी आना भी था, तो फिर हम लोग कहे अच्छा चलो चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर भैया के यहाँ निकल गए हम लोग, यहीं से थोड़ी देर उनके यहाँ रुके, हाल चाल हुआ, गपशप हुआ थोड़ा, और जब यहाँ तक नॉरिच तक आए आए हैं, क्योंकि वो लोग नॉरिच में ही अब रहते हैं, पहले हमारे ही पास रहते थे ठेठफर्ड में, अब वो लोग नॉरिच में यहाँ मूव कर गए, तो बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और उनके यहाँ से। और ये सनसेट हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि जो मेन सनसेट था पिंक पिंक वाला जो कलर होता है वो इधर पेड़ इतना है ना कि इधर पेड़ के पीछे जो है हमारे राइट साइड में था, और वो मैं उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो कर पा रही थी, क्योंकि हम सीधे जा रहे थे, जब कार कहीं घूमती तब शायद अगर उधर से पड़ेगा तो शायद कैप्चर हो ही जाए। और ये देखिए घड़ी में हमारे 6:30 बज रहे हैं, और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, सनसेट बस देखा तो हमने कहा चलो ये यहाँ का रिकॉर्ड कर लेती हूँ इस टाइम का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए मतलब छिपा हुआ है ना, वो पेड़ों से छिपा है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये सब जो नेचर ब्यूटी होता है ना, ये सब मुझको शुरू से, मैंने कई बार इसको मेंशन किया है, बचपन से बहुत अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे हम लोग जब लेटते थे तो मैं तारे गिनती थी, कभी टूटता हुआ तारा भागता था तो कोई कहता था ये आत्मा जा रही है, मतलब ऐसे लोग बोलते थे घर में, सब बातें होती थी, तो वो एक सब टाइम था, याद आ जाता है कभी कभी। तो अब कहाँ खुला छत मिलता है, खुली आसमान के नीचे सोना तो दूर है। फिर हम घर आ चुके और फिर सारा सामान निकाला, और हमने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ। ये एक बैग लिया था, शिवांश का लंच बैग है,
ख़राब हो गया था उसका वाला, तो ये स्मिगल का अच्छा मिल जाता है, काफ़ी दिन मजबूत होता है और काफ़ी दिन उसका लास्ट वाला चला भी। और उसके बाद फिर ये ग्रोसरी शॉप से ये वाले जूस लिए थे, ये एक ही डब्बा लिया, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जब जाती हूँ तो ले लेती हूँ। ये मैंगो फ्लेवर में भी होता है तो अच्छा लगता है सबको, बच्चों को खासकर, तो ले लेती हूँ। मुझे लगता है वैसे भी कि कहीं इसमें आर्टिफिशियल कलर वगैरह ना मिलाए हों। और ये सिज़वान चटनी ले लिया, नहीं पहली बार लिया है, देखेंगे टेस्ट इसका कैसा है। ये मस्टर्ड ऑयल फिनिश था तो, और ये सूखा वाला रेड चिली ख़त्म हो गया था, और ये हल्दीराम का ये काजू कतली लिया था, हालांकि ये हम अपने लिए नहीं लिए थे, ये लिए थे भैया भाभी के घर देने के लिए बच्चों को, लेकिन ये कार में ही रह गया और हम इसको भूल ही गए। और लड्डू अपने घर के लिए लिया था, और काजू कतली जो है इशिता को अच्छा लगता है तो उसके लिए लिया था ये काजू कतली, लेकिन ये वहाँ पर याद ही नहीं आया कि इसको कार से निकालें हम, और जब घर आई तो देखा पैक में रखा हुआ था और ये वहीं रह गया, तो वही है कि नहीं दे पाए। ये यहाँ पे हरीबो है, ये साबूदाना लिया है, प्लेन वाले साबूदाना हैं, और कुछ ये रंग बिरंगे क्योंकि होली है, होली में रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं, तो बस थोड़ा सा ये ले लिया। और ये अल्फ़ाबेट वाले ये फार फार हैं, ये लिए हैं, ये इसमें जो है हर मतलब पूरा अल्फ़ाबेट से ये बना हुआ है, बच्चों को अच्छा लगेगा, सीखेंगे भी, जब ये फूल के बड़ा सा होगा तो ये अल्फ़ाबेटिक है तो अच्छा लगेगा। और ये जो है इस तरीके से ये फ्लावर्स कटिंग में है तो ये लिया। और इधर ये पहली बार मैंने ये जगरी पाउडर लिया है, पहली बार नहीं मतलब पाउडर में ये लिया है, वैसे तो इंडियन शॉप से मैं गुड़ वगैरह लाती ही थी, लेकिन वो खड़े गुड़ होते थे तो उसको तोड़ तोड़ के मुझे चाय में डालना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा तो पहली बार कहूँगी ये लिया जीरा, किन किन ने ये जीरा खाया है ज़रा मुझे बताइएगा, वाला कि इसका साइज़ तो बहुत छोटा है लेकिन जो है मुझे ये दिख गया उस शॉप में, हम लोग चाय में डिप करके इसको खाते थे तो बस वही याद आ गया तो ले लिया। और ये पार्ले जी बिस्किट, इंडियन घर में इंडियन फैमिली में पार्ले जी ना हो तो फिर बनता नहीं है, और पार्ले जी अगर इंडियन बच्चे ना खाएं ना तो फिर बड़े कैसे होंगे। अब तो खैर पार्ले जी का साइज़ छोटा होता जा रहा है, पहले तो थोड़ा बड़े बिस्किट आते थे पहले वाले, अब तो पार्ले जी मैंने ये देखा तो छोटा हो गया। ये प्लेन भुजिया है ले लिया है, हालांकि अब होली आ रही है तो बनाऊंगी ही इस वीक में सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक पैकेट ले लिया। ये सब्जियां हैं, पोहे हैं, सब्जी में ज़्यादा मुझे कुछ आइटम वहाँ दिखा नहीं, भिंडी हम सबकी फेवरेट है, प्रियंका को छोड़कर बाकी सबकी फेवरेट है। इधर मैं एक बैग ओनियन ले लिया है, ओनियन ख़त्म हो गया था हमारा, और लेस्टर से वही पैकेट लाई थी तो ख़त्म हो गया, निकाल चलो आए हैं तो ले लेते हैं। ये मैदा है और ये रागी आटा है, ये भी ख़त्म था, रोटी मैं इसी का बनाती हूँ अपने लिए तो अभी फिनिश हो गया था। एक ही पैकेट दाल लिया था तुअर की, तूर दाल ही हमेशा बनती है ज़्यादातर। मिल्क पाउडर है, खोया बनाने के काम आएगा। इधर डेसिकेटेड कोकोनट है और जगरी पाउडर तो आपको दिखाया ही, ये पहली बार मैंने लिया है, ये और जीरा पहली बार लिया है, तो बस यही था इंडियन ग्रोसरी, कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि उनका मैंने देखा ना ऑनलाइन है सुविधा, तो अब मैं ज़्यादा नहीं मंगाऊँगी। हेलो जी, तो अभी हम लोग जो है वापस आए तो मैंने जल्दी जल्दी सब सामान निकाला, शूट किया और फिर बच्चों से पूछा तो किसी ने कहा पिज़्ज़ा खाना है, किसी ने कहा स्पैगेटी खाना है, तो दोनों बना दिया था, स्पैगेटी भी बना दिया था और पिज़्ज़ा भी बना दिया था। तो शिवांशी पिज़्ज़ा के ज़्यादा प्रेमी हैं तो पिज़्ज़ा खाए थे और बाकियों ने स्पैगेटी खाया था, और जब पिज़्ज़ा बनेगा तो फिर रामकृष्ण क्यों छोड़ेंगे, वो उन्होंने भी खाया फिर एट लास्ट में, तो यस सबने खा पी लिया है और मैंने भी थोड़ा सा खाया था। और वैसे इस टाइम रात में मैं खाती नहीं हूँ कभी भी, मतलब बहुत आई थिंक मुझे करीब जो है सालों हो रहे होंगे रात में खाना, मैंने बंद ही कर दिया है ऑलमोस्ट। जॉब पे भी रहती हूँ रात को तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ,
जस्ट कभी कभार ऐसे ही, कभी एप्पल कभी ऑरेंज लेकर गई तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं खाती हूँ। ऑफ कोर्स जागते हो तो भूख तो लगती ही है, भूख लगती है, लेकिन बस यही है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो जी चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी लग रही है नींद, क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी, रात में भी जो है बीच में ही उठी थी। नींद टूटती तो है ही है, क्योंकि नाइट मुझे सोने की आदत नहीं है, और नाइट में चाहे मैं कितना भी थकी रहूँगी, एक सर्टन टाइम पे मेरी आँख रात को खुल ही जाती है। तो बस वही है कि रात से हियर एंड देयर करते करते, उसके बाद फिर 3 बजे फिर मतलब वही है, ब्रेकअप जो है होके तब नींद आती है, ना नींद आती है टूटती है, फिर ऐसे मतलब सो गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गई हूँ सुबह में 5 बजे ही। तो क्योंकि इंडिया से भी फ़ोन आ गया सुबह, तो वहाँ फिर बातें करने लग गए, पापा का हाल चाल, घर में हाल चाल सबका लिया, तो बस बात करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तो इसलिए नींद अभी लगी है, और अब चल रही हूँ, चेंज करूँगी, सोऊंगी, और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना भी बुरा वीडियो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, आप लोग तो समझते ही हो, मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ ईमानदारी से, जो भी है जैसा भी है जैसी हूँ वही चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। कुछ बनावटी नहीं है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं है, बस खैर कि आज लाइव भी आना था क्योंकि ड्यू था संडे, लाइव आने का ड्यू था, लेकिन चली गई नॉरिश तो लाइव नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक आपसे मैं, नेक्स्ट वीकेंड संडे, हालांकि आई थिंक होलिका दहन वाला दिन होगा उस दिन, यस, लेकिन मैं आऊँगी थोड़े देर के लिए लाइव। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ज़रूर आइएगा, और सबको लाइव आकर होली विश करूँगी, इस बार ऐसा सोचा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर किया करिए, लाइक जरूर दिया करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।